हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आज हम लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत अध्याय के अंतर्गत द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस और इसके आधार पर मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अव्योहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोटमेंट के विषय में पढ़ेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग समझेंगे द्विसंकर संकरण या डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है जब दो तुलनात्मक या विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो इस तरह का संकरण द्विशंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है उदाहरण के लिए मेंडल ने मटर के दो पौधे लिए एक पौधा जिसमें जो मटर के बीज थे गोल और उनका रंग था पीला और इसका क्रॉस करा दिया गया मटर के दूसरे पौधे जिनमें बीज झुरीदार और हरे थे तो इस तरह से यहाँ पर एक जो लक्षण है वह है आकार का लक्षण बीज का आकार गोल या झुरीदार हो सकता है और दूसरा लक्षण है बीज का रंग पीला या इसका जो विरोधी रूप है वह है हरा तो इस तरह से दो लक्षणों के विपर्यासी रूप लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया तो इस तरह के क्रॉस को द्विसंकर संकरण या डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा गया तो मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर स्वतंत्र अभ्योहन का नियम दिया तो आइए अब हम समझते हैं स्वतंत्र अभ्योहन का नियम क्या होता है स्वतंत्र अभियोन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोटमेंट इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संक्रमण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं होती है दोनों लक्षणों के एलील स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेते हैं मेंडल ने जब गोल व पीले बीज जिसका कि जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई है तथा तो झुर्रीदार व हरे बीज जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई है इन दोनों मटर के पौधों के बीच संकरण कराया तो इन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले बीज वाले प्राप्त हुए इसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है अब जब एफन पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण कराया गया तो इन्होंने देखा कि पीढ़ी में चार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जिनका फिनोटाइप अनुपात है गोल व पीले बीज नौ गोल व हरे बीज तीन झुर्रीदार व पीले बीज तीन झुर्रीदार व हरे बीज एक अब बात करेंगे कि मेंडल ने अपने नियम में क्या कहा मेंडल ने कहा कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति जैसे कि गोल लक्षण एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण ये पीला जो लक्षण है पर निर्भर नहीं होती है और ये युग्मकों में स्वतंत्र रूप से चले जाते हैं और अपना लक्षण प्रकट करते हैं तो नए नए कॉम्बिनेशन ये बना सकते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं कि गोल लक्षण हमेशा पीले वाले लक्षण के साथ ही रहे और इसी तरह से जरूरी नहीं कि झुर्रीदार लक्षण हमेशा हरे लक्षण के साथ ही प्रकट हो यह भी हो सकता है कि जो गोल बीज का लक्षण है हरे के साथ और इसी तरह से जो झुर्रीदार है यह पीले रंग के साथ अपना नया कॉम्बिनेशन बना सकता है मेंडल ने देखा कि जो F2 टू जनरेशन में जो फिनोटाइप है उसमें गोल और हरे बीज और झुर्रीदार और पीले बीज वाले कॉम्बिनेशन भी बने तो इस तरह से मेंडल ने अपने स्वतंत्र अभियोन के नियम को समझाया अब यहाँ पर चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि गोल और पीले बीज वाले मटर का पौधा लिया जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई है इसका क्रॉस कराया झुरीदार व हरे बीज वाले मटर के पौधे के साथ जिसका जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई है अब जब इसका युग्मक बनेंगे तो एक आर और एक वाई एक साथ आ जाएंगे तो आर और वाई युग्मक बन जाएंगे और इसमें स्मॉल आर और इस्माई युग्मक बनेंगे तो यहां पर F1 वन जनरेशन में अगर ये युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं तो इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अर्थात सभी जो पौधे होंगे वो गोल और पीले बीज वाले ही पैदा होंगे F1 वन जनरेशन में जब इन पौधों के मध्य स्वपरागण कराया जाता है तो F2 टू जनरेशन में नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं तो यहां पर एफ जनरेशन में जो प्राप्त पौधे थे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल और पीले बीज वाले इन पौधों के बीच में स्वपरागण कराया गया तो एफ टू जनरेशन में अनेक तरह के नए कॉम्बिनेशन भी देखने को मिले अब बात करेंगे कि इसमें युग्मकों का निर्माण किस तरह से करेंगे कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल में आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग लेंगे कैपिटल आर को उसके साथ लिख देंगे कैपिटल वाई अब दोबारा इस यहां पर जैसे लिखा है इसी तरह से अब पुनः इस कैपिटल आर को ले लेंगे अब दूसरा कौन सा वाई बचा स्मॉल वाई तो यहां पर लिख देंगे स्मॉल वाई इसी तरह से अब हम दूसरे तरह के युग्मक बनाएंगे स्मॉल आर को लेकर स्मॉल आर हमने पहले लिखा उसका हमने उसके साथ लिख दिया कैपिटल वाई को इसी तरह से आप इस स्मॉल आर के साथ हम लिख देंगे स्मॉल वाई को इस तरह से चार युग्मक यहाँ तैयार हो गए ऐसे ही आप नीचे भी जो मेल के चार युग्मक बनाएंगे इस तरह से आप बना सकते हैं अब हम जो पुनेट स्क्वायर है जिसके द्वारा आसानी के साथ हम इन संकरणों के परिणाम को दिखा सकते हैं अब यहाँ पर जो पहला युग्मक है कैपिटल आर कैपिटल वाई और फीमेल का भी पहला युग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई इन दोनों का क्रॉस करा देंगे तो आर आर दोनों आ जाएंगे और वाई वाई दोनों आ जाएंगे तो यहाँ पर आर आर वाई वाई जो जीनो है ये वाला पौधा बन जाएगा जिसमें कि बीज का जो आकार होगा वो गोल और जो बीज का जो रंग है वह पीला हो जाएगा इसी तरह से इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई को हम कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ कंबाइन कर देंगे तो यहां पर आप कॉम्बिनेशन ऐसे लिख सकते हैं इसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल वाई इसका क्रॉस करा देंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप लिख लेंगे इसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन हम बना देंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ तो यहाँ पर इसका भी परिणाम आप लिख सकते हैं तो इस तरह से आप प्रत्येक इनको एक दूसरे से क्रॉस कराते हुए लिखेंगे तो परिणाम यहाँ इस तरह से सारणी के अनुसार आएंगे अब हम लोग देखेंगे कि इसमें फिनोटाइप अनुपात क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे सोलह तरह के इसमें पौधे प्राप्त हुए हैं उनमें से जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई से अगर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो वह गोल और पीले बीज वाले हो जाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो नौ जो पौधे हैं वह गोल और पीले बीज वाले प्राप्त हुए हैं और उसी तरह से हम लोग देखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाले जो यहाँ पर पौधे हैं या जो जीनो टाइप हैं यहाँ पर कुल हमारे पास तीन प्राप्त होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे गोल और हरे बीज वाले पौधे इसी तरह से और स्मॉल आर और कैपिटल वाई से जो पौधे प्राप्त हुए हैं वह भी हमारे पास कितने हैं वह भी तीन पौधे प्राप्त हैं ये पौधे हो जाएंगे आपके झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे और अंत में केवल एक यहां पर जो कॉम्बिनेशन एक बना है वह स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई अर्थात झुरीदार हरा जो बीज वाला जो पौधा है उसका जो कॉम्बिनेशन है वह अनुपात एक हो जाएगा तो इस तरह से इसमें हम इनका जो फिनोटाइप अनुपात होता है नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक के रूप में हम प्राप्त करते हैं यहां देखेंगे आप फिनोटाइप जो अनुपात है गोल व पीले बीज नौ गोल और हरे बीज तीन झुरीदार व पीले बीज तीन झुरीदार व हरे बीज एक इस अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं